सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। जो भी चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स बनाऊंगा ह्यूमन के, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनको। आप अपने अगर कैसल बनाएंगे तो उसके सामने सजा सकते हैं, देख सकते हैं ये तीन है। मैं बस इसका बेसिक बता दूंगा, बाकी आप इसको और भी मॉडिफाई करके और भी अच्छा बना सकते हैं, और कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। देख सकते हैं ये वाला वाटर वाला, तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये आप बना सकते हैं। मैं पहले इसका बेसिक बता दूंगा, कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। ये देख सकते हैं ये कारपेट का हो गया, ये इसका मैं बनाऊंगा, बाकी सब आप खुद बना सकते हैं क्योंकि सबका बेस एक ही जैसा है, बस उसका हाथ को थोड़ा चेंज करेंगे। और ये देख सकते हैं ये मेरा क्रिएटिव वर्ल्ड है, यही वाला मैं पिछले शॉर्ट में बनाया था, ऑटोमेटिक चिकन फार्म। ये यहाँ पर मैंने बस एक और क्लॉक लगा दिया ताकि जो ऑटोमेटिक चिकन आता रहे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो भी ब्लॉक आपको अच्छा लगे वो लीजिए। मैं यहाँ पर ब्रिक का यूज़ करूँगा, पहले दो लगेंगे और एक तीसरा टेम्प्रेरी होगा, फिर इसके पीछे एक और लगा देंगे और वो थर्ड वाला टेम्प्रेरी तोड़ देंगे, फिर हम उसको एक और साइड में लगाते हुए उसको नीचे तक कनेक्ट कर देंगे। फिर नीचे वाले ब्लॉक को बाद में तोड़ना है, पहले लगा देते हैं एक और पीछे, फिर नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ सकते हैं जो तीसरा यहाँ पर था। फिर आपको स्टेयर लेना है उसी का, फिर उसको यहाँ पर एक ऐसे और एक सामने की तरफ से ऐसे लगा देना है। फिर आपको यहाँ पर एक और होल करके स्टेयर को उल्टा करके लगाना है, ऐसे देख सकते हैं हाँ, ताकि ये लगेगा कि ये घुटनों के बल बैठा हुआ है। मैंने यहाँ पर एक और स्टेयर लगाना भूल गया, आपको भी लगाना पड़ेगा ही, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सभी स्टेचूज का ये पैर कॉमन रहने वाला है, ऐसा सभी में ही रहेगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर आपका बॉडी, आप कोई और स्टोन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपका उसी को यूज़ कर सकते हैं, मैं बस पता चलने के लिए ये अलग लिया। फिर आप एक और स्टोन या कुछ और लेके इसका फेस बना सकते हैं, 2x2 का क्यूब बनाएंगे पूरा, ऐसे आगे थोड़ा आएगा। फिर कोई और ब्लॉक लेके उसका दो शोल्डर बना सकते हैं, ये रहा। फिर आपको नीचे जाके और ब्लॉक्स लगा के उसका हाथ बनाना है, तो पहले एक यहाँ पर ये वाला टूट, बाद में टेम्प्रेरी है, फिर सामने एक और, ऐसा ही दूसरी साइड भी करेंगे। फिलहाल इसके लिए एक और टेम्प्रेरी और दो ऊपर लगा देंगे ताकि हम स्टेयर को उल्टा करके यहाँ पर लगा सकें, जस्ट लाइक दिस। फिर हम ऊपर के सारे टेम्प्रेरी दो ब्लॉक और हाथ के पीछे में जो दो टेम्प्रेरी ब्लॉक्स हैं उनको तोड़ देंगे और वहाँ पर भी स्टेयर उल्टा करके लगा देंगे कुछ ऐसे, इस साइड का भी लगा देंगे। तो फिर ये इसका एकदम हो चुका है, बस एक सेकंड में स्ट्रिंग्स शायद नहीं निकाल रहा हूँ, बाकी सब ला चुका हूँ, रुको स्ट्रिंग्स अभी ला के दिखाता हूँ। तो मैंने स्ट्रिंग्स ला दिया है, अभी स्ट्रिंग्स को क्या करना है, इसके सामने जो दो स्टेयर्स हैं उनके सामने लगा देना है। फिर आपको कोई भी कलर का कारपेट ले सकते हैं जिसका बनाना है, मुझे रेड का बनाना है इसलिए उसके ऊपर रेड के चार लगा देंगे। फिर उसका रेड कलर का ही बैनर लेके दोनों साइड लगा देंगे। अब जो कलर करेंगे उसी कलर का बैनर और कारपेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला स्टैचू आराम से बन गया, आप ऐसे ही बाकी स्टैचूज को भी बना सकते हैं, बस इसका पैर और बॉडी और हेड एक जैसा रहेगा, बस हाथ को आप चेंज कर करके अलग अलग बनाएंगे। देख सकते हैं इसमें भी, इसका भी सब कुछ सेम ही है, बस एक हाथ को थोड़ा बहुत आगे ला देंगे, ये देख सकते हैं उसको आगे ला के, और उसके ऊपर फेंस से आप स्टिक बना सकते हैं, और दूसरे हैंड में मैंने बीकन लगा दिया है, आप कुछ भी लगा के उसको लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा ही हमारा थर्ड वाला स्टैचू भी वैसा ही है, बस उसमें एक हाथ को थोड़ा सा छोटा करके, देख सकते हैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा करके एक शील्ड बना सकते हैं वॉल का यूज़ करते हुए, और एक हाथ में स्वॉर्ड बना सकते हैं। इसको आप और भी थोड़ा मॉडिफाई अपने दिमाग लगा के कर सकते हैं, और भी अच्छा हो सकता है शायद मुझसे भी, ये भी मैंने यूट्यूब से ही थोड़ा सीखा। और ये वाला वाटर का मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब नॉर्मली हम बस हाथ दोनों ऊपर कर देंगे, ऊपर एक और छोटा सा पूल जैसा बना देंगे जिससे पानी बाहर आके एक बड़े से पूल में गिरेगा, ये फाउंटेन जैसा आप यूज़ कर सकते हैं इसको ऊपर करने, तो थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं ये, क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है। तो ये मेरा क्रिएटिव वर्ल्ड है जो कि मैं माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स नहीं तो कुछ भी ऐसे अभी फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोस में बनाऊंगा, जो भी ट्रिक्स मुझे आते हैं या फिर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं भी कुछ रिसर्च करके अगर पाया तो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।